आज हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है इसमें? 25, 26, 27 और ठीक है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, कितने मौलिक अधिकार हैं इसके अंतर्गत? सबसे पहली बात तो ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ठीक है, मतलब यहाँ पर युक्तियुक्त निर्बंधन किया जा सकता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर देयर। क्या किया जा सकता है? युक्तियुक्त निर्बंधन या निषेध, मतलब कि कुछ कंडीशन में कंडीशन डाल के रोक भी लगाई जा सकती, ठीक है। तो ये आर्टिकल कैसे है? नॉट एब्सोल्यूट। क्या है यहाँ पे? युक्तियुक्त निर्बंधन या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस स्टेट चाहे तो लगा सकता है, क्लियर है। क्या प्रोवाइड करते हैं? रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता। चार आर्टिकल हैं, चारों बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, अच्छे से याद होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक क्वेश्चन उठता है कि हमने इसको धार्मिक स्वतंत्रता की जगह हमने इसको सेकुलर जैसे वर्ड भी तो लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे? धर्मनिरपेक्षता, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल में पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष लिखा है ना, और कब जोड़ा गया है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। कौन कौन से वर्ड जोड़े गए प्रीएम्बल में? प्रस्तावना में अभी तक एक ही संशोधन हुआ, कौन सा संशोधन? 42nd। कब, कितने शब्द जोड़े, कौन कौन से? पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, ठीक है। क्या 1976, ठीक है, अखंडता, और तीसरा जी संप्रभुता तो पहले से ही था, ये तीन वर्ड हैं जो प्रीमिल में ऐड हुए 42nd अमेंडमेंट, सेकुलर, जिसको सेकुलरिज्म बोलते हैं, अखंडता, इंटीग्रिटी, और समाजवाद, सोशलिज्म। कौन सा वर्ड है? ये तीन शब्द जोड़े गए। तो यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता शब्द पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष सेकुलर का उपयोग नहीं किया है। तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि क्यों नहीं करा, क्योंकि भारत तो पंथ निरपेक्ष देश है, धर्म निरपेक्ष है, तो फिर यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जगह सीधा पंथ निरपेक्ष लिख देते, इतने आर्टिकल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, लेकिन इतने आर्टिकल बनाए गए इसीलिए क्योंकि जो पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष की परिभाषा है इसकी दो डेफिनेशन चलती हैं पूरी दुनिया में, एक होती है वेस्टर्न वर्ल्ड, पश्चिमी देशों की परिभाषा, और एक है हमारी खुद की इंडिजीनियस भारतीय इंडियन, और यह इंडिया की डेफिनेशन है, ठीक है। कितनी है टोटल? दो। हमें पता है कि भारत भी पश्चिमी देशों का शिकार रहा है, और उस समय दुनिया में पश्चिमी देश हर जगह
कॉलोनी थी वेस्टर्न कंट्री की, चाहे वो फ्रेंच हो चाहे वो ब्रिटिश हो, तो जो ये बोल देते थे वही सही मान लिया जाता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा किसकी चलती थी? पश्चिमी देश, ठीक है, वेस्टर्न की चलती थी ना, इंग्लैंड भी तो वेस्टर्न था, इंडिया में उसी की चलती थी। जब हमारा संविधान लिखा गया 1950, उस समय भी कोई भारत का कोई बहुत बड़ा वर्चस्व तो बन नहीं गया था, 47 में आज़ाद हुआ, 50 में संविधान लिखा गया। तो कहीं ना कहीं अगर हम धर्म निरपेक्ष शब्द देखते तो पूरी दुनिया उसे इस दृष्टिकोण से देखती। किस दृष्टिकोण से देखती? पश्चिमी देश, क्योंकि किसकी चलती है, ठीक है, इंडिया तो अभी जस्ट नया नया आज़ाद हुआ है, कोई अभी कोई इंडिया परिभाषा दे तो पूरी दुनिया समझेगी कि यह इंडियन वर्जन है। उस समय ऐसा समझते क्या? क्योंकि भारत तमाम तरह की गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, खाने का प्रबंध नहीं था लोगों के लिए, अमेरिका से गेहूँ और इन सब चीज़ों का आयात होता था, ठीक है, तो इंडिया की कोई अपनी आइडेंटिटी उस समय तक बनी नहीं थी, आज की बात अलग है। तो अगर हम धर्मनिरपेक्ष शब्द देखते तो क्या मतलब होता, कौन सी परिभाषा होती? अब पश्चिमी देशों की परिभाषा क्या थी? पश्चिमी देशों की परिभाषा थी कि जो राज्य है और जो धर्म है ये दोनों एक है। क्या है? मतलब जो धर्म है, राज्य मतलब सरकार या देश, ठीक है, तो जो देश है उनका जो धर्म है वो राज्य, राज्य का काम है धर्म, राज्य का धर्म है या धर्म का राज्य, मतलब वो देश किसी ना किसी धर्म प्रधान देश है। जैसे कि इंग्लैंड की बात करें तो क्रिश्चियनिटी वहाँ का धर्म था, ठीक है, तो यहाँ की धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा क्या थी कि राज्य और धर्म एक चीज़ है, ये दोनों कभी अलग अलग नहीं हो सकती। समझ में आई बात? वेस्टर्न कंट्री में धर्म की परिभाषा क्या थी कि जो सरकार और धर्म ये एक ही साथ चलते हैं, सरकार का काम है धर्म की रक्षा करना या धर्म के हिसाब से चलना, थियोक्रेट्स बोलते हैं जिसे, क्या बोलते हैं? थियोक्रेट्स। क्लियर हो गया? अब हम इंडिया के कंटेक्स्ट में आ जाते हैं। क्या इंडिया ऐसा कर सकता था, इस परिभाषा को अडॉप्ट कर सकता था? क्योंकि इंडिया में जो सरकार है वो तो एक जरूर है, लेकिन धर्म कितने हैं? हजारों धर्म हैं। तो क्या भारत में ये परिभाषा अप्लाई हो सकती थी? अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट यहाँ पे धर्म, धार्मिक स्वतंत्रता की जगह धर्मनिरपेक्ष शब्द लिखते तो दुनिया इसके क्या मतलब निकालती कि भारत एक धर्म है और जहाँ पे हिंदू चूंकि ज़्यादा है तो हिंदुओं का देश है भारत। इसलिए हमारे संविधानविदों ने, चूँकि बहुत इंटेलेक्चुअल थे, बहुत स्मार्ट थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने बोला कि ये जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा इससे हमें बचना चाहिए और हमें धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों का प्रयोग से भी बचना चाहिए, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष शब्द का मतलब दुनिया में अलग चलता है और हमारा मतलब अलग है। हमारा मतलब ये है कि सरकार अलग है, धर्म अलग है, दोनों अपने अपने रास्ते चलते हैं, दोनों किसी के काम में इंटरफेयर। इनका मानना था कि जो राज्य है वही धर्म है, या राज्य का काम या सरकार का काम है धर्म को आगे बढ़ाना। यही तो किया ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, क्या किया उन्होंने? क्रिश्चियनिटीज़ का धीरे धीरे प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, ज़बरदस्ती लोगों को क्रिश्चियन बनाना शुरू कर दिया। जो लोग क्रिश्चियन बन जाएंगे उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उनके बच्चे स्कूल में फ्री पढ़ेंगे। क्या है ये? तो मतलब सरकार किसको बढ़ा रही है? भारत सरकार क्या है, कभी ऐसा करती है? नहीं करती, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब समझ में आ गया। उस समय धर्मनिरपेक्ष की क्या परिभाषा थी जिसको दुनिया रिकॉग्नाइज करती थी? वो ये, भारत का अपना अलग वर्जन था, लेकिन कोई सुनेगा क्या? ठीक है, इसलिए नहीं सुनेगा क्योंकि कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है उस समय इंडिया का, खुद ही तो इतना परेशान देश है। अब अगर इंडिया अपनी कोई परिभाषा बनाता है तो उसे दुनिया रिकॉग्नाइज करेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है और उसका एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। उस समय ऐसा कुछ भी, उस समय पता था कि गुलाम देश था, अभी जस्ट आज़ाद हुआ है और लोगों का मानना था कि 10-12 साल में ये फिर से किसी न किसी देश के गुलाम हो जाएगा। मतलब इतना कॉन्फिडेंस था उनको भारत पे कि ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, कर गए वो बात अलग है। तो कहीं ना कहीं ये दो पॉइंट समझ में आ गए। अगर कभी कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि बताओ, एक काम करो कि प्रस्तावना में तो हमने पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ के रखा है, लेकिन जब मौलिक अधिकार पढ़ते हो तो वहाँ धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है, तो ऐसा क्यों करा अपन ने, या कॉन्स्टिट्यूशन में ये दो अलग अलग चीज़ें क्यों हैं, एक ही क्यों नहीं रह गई? तो आंसर दे दोगे इस बात का कि
कि नहीं दे पाओगे। क्लियर है ना आंसर? पश्चिमी वर्ल्ड मतलब पश्चिमी देश, पश्चिमी देश मतलब कौन से देश जिनको हम सिर्फ अंग्रेज बोलते हैं, लेकिन कई सारे देश हैं पश्चिम में, हम बोलते हैं ना वेस्टर्न कल्चर है ना, तो वही पश्चिमी देश उनका कल्चर, ठीक है। तो चूंकि पूरी दुनिया में उन्हीं का राज था, इसलिए वो जो बोल दें दिन को रात, रात को दिन, तो लोग मान लेते थे कि हाँ ऐसे ही, ठीक है। और इंडिया भले रात को रात बोले तब भी बोल रहे थे नहीं गलत है, वो तो वेस्टर्न कंट्री ने तो दिन बोल के गए हैं, तो दिन ही है, ठीक है, क्योंकि जिसकी लाइट है उसी की भैंस, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता शब्द का उपयोग है, ना कि धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष का। लेकिन बाद में जब दुनिया को पता चल गया कि भारत किस तरह से रिलीजियस फ्रीडम दे रहा है, या भारत की धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा ही अलग है, ये पूरी दुनिया जान गई, तब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 76 में कौन सा वर्ड जोड़ दिया, सेकुलर या धर्मनिरपेक्ष। अगर वेस्टर्न कंट्री में देखें धर्मनिरपेक्ष मतलब धर्म के हिसाब से ही क्या चल रहा है, राज व्यवस्था चल रही, लेकिन इंडिया के कंटेक्स्ट में नहीं, सब धर्म है, हर धर्म को अपनी अथॉरिटी है, अपने हिसाब से चले, ठीक है। कब आपको धर्म बदलना है, कब आपको कोई नए धर्म में चले जाना है, आप हो सकता है नास्तिक रहे, कोई भी धर्म नहीं माने, तो आपकी मर्जी है। किसी धर्म को मान रहे थे, आज आपने छोड़ के किसी दूसरे में चले गए, तो आपकी मर्जी है। धर्म को प्रैक्टिस करना, तिलक लगा के घूमो, आपकी मर्जी है। दाढ़ी बढ़ा के घूमो, टोपी लगाओ, माला पहनो, ठीक है, गेरुआ वस्त्र धारण करो, चंदन लगाओ, जो करना है वो आपकी मर्जी है। ये आप धर्म को क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कर सकते हैं, कोई रोक नहीं आता है कि क्यों कर लिया ऐसा, नहीं कर सकता ना। तो अभी तो ये सब चीज़ें इंडिया ने सभी धर्मों को दी, इसलिए भारत क्या है, भारत की धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा है कि राज्य और धर्म अलग अलग चीज़ें हैं, और राज्य धर्म के मामले में कोई दखलंदाजी नहीं देगी, सब धर्मों को अपने अपने हिसाब से, धर्मों के लोगों को अपने अपने हिसाब से रहने का, उनकी प्रैक्टिस करने का, उनके प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार है, इसमें कोई भी, लेकिन हाँ आपको अपने धर्म को मानने का अधिकार है, लेकिन किसी दूसरे धर्म को क्रिटिसाइज करने का अधिकार नहीं है। अपने धर्म को धूमधाम से मानिए, लेकिन किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाना, उसकी गलतियाँ निकाल के क्रिटिसाइज करना, ये आपका राइट, इसलिए हमने लिखा है क्या है, युक्तियुक्त निर्बंधन या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, क्लियर है। तो ये चार आर्टिकल आपको यही बताते हैं, इंडिविजुअली अभी हम पढ़ेंगे कि करके सबको, कि हमें क्या है, रिलीजियस फ्रीडम, क्या है, रिलीजियस फ्रीडम, जबकि भारत सेकुलर है, ये बात यहाँ पे तो थी ही थी, लेकिन वहाँ पे भी लिख दी गई, या धर्म निरपेक्ष भी बोल सकते हैं, पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष का मतलब है, हमारे भारतीय वर्जन, इसकी डेफिनेशन इंडियन वर्जन है, कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, या तो जितने भी धर्म हैं वो सब राज्य के, राज्य का एक धर्म नहीं है, ठीक है, या तो राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, राज्य मतलब आर्टिकल 12, या तो जितने भी धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी और जितने भी हैं, वो सब किसके हैं, वो सब राज्य के, या तो कोई नहीं है हमारा, या तो सब हमारे, ये भारतीय धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष की बेसिक जो है वो अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, वहाँ पे इस्लाम एक धर्म है जिसके हिसाब से राज्य चलता है, ठीक है। तो इवन जिस अगर धर्म और राज्य साथ साथ जुड़ जाते हैं, तो फिर काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं, कई बार राज्य को धर्म के हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अगर वो कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जो धर्म विरुद्ध है, तो फिर लोग क्या हो जाएंगे, लोगों की आशा रहती है धर्म के हिसाब से सरकार काम करेगी, लेकिन अभी ऐसा है क्या, है ना, अभी हमारी आशा क्या है कि संविधान के हिसाब से सरकार चलेगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसके हिसाब से गवर्नमेंट काम करेगी, ठीक है। हमारे जो सरकार है उसका धर्म है जनसेवा, पब्लिक को हर तरह से कन्वीनियंट रहे, और जो धार्मिक ग्रंथ है सरकार का वो है संविधान, ऐसा हम बोल सकते हैं, किसके हिसाब से चलेगी वो, एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी बात को बहुत अच्छे से क्लेरिफाई करने के लिए आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर लिख दिए गए हैं स्पष्ट तौर पे। क्लियर हो गया है, यहाँ तक तो कोई डाउट है किसी को? मैम,
वो गलत है, वो भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। हमने बोला किसी के धर्म को क्रिटिसाइज करना, उसे नीचे दिखाना, जबरदस्ती किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तित कराना, ये सब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट है। और सीधे सुप्रीम कोर्ट आप इसके लिए, अगर कोई ज़बरदस्ती आपको फोर्स कर रहा है ये वाला ये धर्म बदल लो आप, ठीक है, फोर्सफुली आपको बंदूक रख के आपके सर पे धर्म बदलवा रहा है, तो वो क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट का वायलेशन, ठीक है। चलिए और कोई प्रश्न है यहाँ पे? तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आर्टिकल 25, एक एक करके समझते हैं, साथ साथ इसको लिखते भी चलते हैं। आर्टिकल 25 वेरी इम्पोर्टेंट, सभी इम्पोर्टेंट है वैसे तो, ठीक है, लिख लिया था। फंडामेंटल राइट कौन से, चौथे नंबर का है ये अपना, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ब्रैकेट में आर्टिकल लिखो 25, 26, 27, 28। सबसे पहले आर्टिकल 25, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 क्या बोलता है, अंतःकरण की ओर, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, धर्म के अबाध, अबाध मतलब बिना रोके, धर्म के अबाध रूप से मानने, कौमा आचरण मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ठीक है, ये इसकी क्या है, इसमें लिखा है संविधान पे। अब इसको समझिए, आगे पैराचिन करके लिखेंगे। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को, इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है तथा उसका प्रचार कर सकता है, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दो खंड हैं, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दो खंड हैं, पहला 25 क्लॉज 1, ये इस तरह से लिख सकते हैं, 25(1), इसमें क्या लिखा है वो लिखेंगे, दो खंड हैं, पहला 25(1) लिखेंगे, इसमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, 25(1) डैश करके लिखेंगे, इसमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जबकि, या फिर है 25(2), दूसरा खंड है 25(2) लिखेंगे, इसमें धर्म से, या इसमें युक्ति युक्त निर्बंधन बताए गए हैं, इसमें युक्ति युक्त निर्बंधन, इंग्लिश में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, युक्ति युक्त निर्बंधन बताए गए हैं, इसके अलावा 25(2) या इसके अलावा दो स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं, इसके अलावा दो स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं जो सिख धर्म तथा हिंदू धर्म के बारे में हैं, सिख धर्म और हिंदू धर्म के बारे में, किसके बारे में, ये स्पष्टीकरण दिया है कि सार्वजनिक स्थल पर हथियार
रखना क्या है? इलीगल है। लेकिन सिख धर्म के अंतर्गत जो तलवार रखी जाती है या कटार रखी जाती है, उसको पार्ट ऑफ सिख धर्म माना गया है, ठीक है। और इसलिए उनको इसमें, ये उनका अलग से मौलिक अधिकार है जो कि आम लोगों को नहीं है, लेकिन उनकी धार्मिक स्वतंत्रता की वो उसको क्या कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। लिखेंगे आगे पैराग्राफ चेंज करके। लोक व्यवस्था सदाचार, लोक व्यवस्था सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अनुपबंधों के अधीन, स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, अन्य उपबंध मतलब अन्य प्रावधान, अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण का मतलब होता है किसी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण ब्रैकेट में किसी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार है, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 25 सिंपल सी भाषा में तीन बातें बोल रहा है। कितनी बातें बोल रहा है आर्टिकल 25? सबसे पहला बोल रहा है अंतःकरण की स्वतंत्रता है, सबसे पहली बात बोल रहा है अंतःकरण, इसको कंसाइंस भी बोल सकते हैं कि आप आत्मा से किस धर्म को मान रहे हैं। आपका जन्म हुआ है किसी हिंदू परिवार में, लेकिन आपका मन लगता है क्रिश्चियन की किताबें आपने पढ़ी, तो आपको लगता है हम काश हम क्रिश्चियन होते या काश हम बौद्ध होते या जैन होते, तो सिर्फ सोच हो रही है। अगर आपको लगता है तो आप बन सकते हैं, संविधान ने आपको ये अधिकार दिया है, तो अंतःकरण की स्वतंत्रता है। दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा इसमें, आचरण। अब आप तिलक लगा के घूमना चाहते हैं या क्रिश्चियन में तो बड़ी सी वाइट गाउन और क्रॉस, ठीक है, या आप मुस्लिम हैं तो टोपी और बुरका, ये सब पार्ट ऑफ द रिलीजन ही मानते हैं, तो वो आपको आचरण करने का पूरा, हिंदू है ना, पूरे बाल गायब हैं, पंडितों के सिर्फ इधर से एक चोटी है और इधर पे चंदन लगा हुआ है, गेरुए कपड़े पहने हुए हैं, तो ये क्या है, आचरण आप कर सकते हो, कोई रोकेगा नहीं। और प्रचार, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट अधिकार। आप तो उस धर्म में हैं, आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी बदल गई, दूसरे लोगों की भी बदल जाए, आप लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि आप भी उस धर्म को माने, ठीक है। स्पेसिफिकली क्रिश्चियन लोग करते रहते हैं रेलवे स्टेशन वगैरह पे अपने धर्म का प्रचार। अगर आप बैठे हैं ट्रेन से कहीं जा रहे हैं और कोई क्रिश्चियन मिल गया है जो स्पेसिफिकली कन्वर्टेड हुआ है, तो क्या करता है वो, आपको भी कुछ किताबें दे देगा या कुछ ऐसी ऐसी बातें बताएगा ताकि आपका मन भी थोड़ा सा वो अपनी तरफ लगा सके। तो ये अधिकार आपको किस अनुच्छेद में दिए हैं, 25 में, दो क्लॉजेस में डिवाइड है, क्लॉज 1 और क्लॉज 2। अभी अपन ने लिखा, क्लियर है कौन सा आर्टिकल है, धर्म को अंतःकरण करना मतलब स्वीकार करना। एक तो हम लोगों का धर्म बेसिकली इन भारत के अंदर जो धर्म है वो हमारे जन्म के हिसाब से निर्धारित हो जाता है कि हमारा परिवार, हमारा जन्म अगर किसी हिंदू परिवार में हुआ है
तो हम हिंदू धर्म हैं, किसी मुस्लिम फैमिली में जन्म हुआ है तो इस्लाम मुस्लिम है, क्रिश्चियन भी हुआ है तो क्रिश्चियन है, बौद्ध है तो बौद्ध, जैन में तो जैन। ये तो बाय बर्थ हमें मिला, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली चॉइस दी हुई संविधान ने कि अगर आप जन्म से जो धर्म मिला है उसके अलावा किसी और धर्म का अंतःकरण करना चाहते हैं तो आपको पूरी क्या है स्वतंत्रता है, ठीक है। नहीं करना चाहते तो जो जिसमें जन्म हुआ है उसी को अंतःकरण करें, दूसरा चाहे तो दूसरा कर सकते हैं, आचरण कर सकते हैं उसका, बिहेव में ला सकते हैं और फिर उसको एडवर्टाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात कौन बोलता है आर्टिकल नंबर, इसमें आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, ये आपका मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 25 क्लियर हुआ या नहीं? क्या अन्य उपबंध, मतलब इसमें जो भी अन्य प्रावधान किए हैं इस आर्टिकल 25 में, जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, वो सब भी क्या होंगी यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड होंगी, आपको उसके पूरे अधिकार मिलेंगे। बस अर्थ है कि आप जो धर्म मान रहे हैं वो अगर कोई पब्लिक ऑर्डर डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ना, जैसे कि आप बहुत बड़ी रैली निकालना चाहते हैं, कोई धार्मिक उत्सव है आपका और बड़ी रैली निकालना चाहते हैं, लेकिन वो एरिया जिस एरिया से रैली जाना है वो सेंसिटिव है, दंगे वगैरह भड़क सकते हैं, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकती है, तो आपको रोका जा सकता है। अब आप बोलेंगे कि ये तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर दिया, बोला ना युक्तियुक्त निर्बंधन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। कई बार आपने देखा होगा ज़्यादातर हिंदू और मुस्लिम के फेस्टिवल साथ आते हो, भीड़ वाले तो एकदम साथ ही आते, जैसे नवरात्रि में जो मूर्ति विसर्जन और ताजिए वगैरह मुहर्रम, ये लगभग लगभग साथ आता है। अब उनकी भी बहुत बड़ी भीड़ और इनकी भी भीड़, अगर एक ही रास्ते से निकलेगी तो क्या होगा, है ना, उनको लगेगा ये हमारे धर्म में बाधा, हमको लगेगा वो हमारे धर्म में बाधा, तो प्रशासन क्या करेगा, दोनों को मना कर देगा या दोनों को अलग अलग रास्तों पर डाल देगा कि आप इससे नहीं उस रास्ते से जाइए। तो अब ये तो बोलेंगे कि धार्मिक आचरण ही नहीं करने दे रहे आप, तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर दिया, तो ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन है क्या, पब्लिक ऑर्डर। दूसरा है सदाचार मॉरलिटी, है ना, मतलब सदाचार करें, ऐसा हुड़दंग नहीं मचाएं। तीसरा है स्वास्थ्य, धर्म है ठीक है लेकिन कहीं ना कहीं हमें राइट टू लाइफ और लिबर्टी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है, वो तो आपका एब्सोल्यूट राइट है। अब कई लोग धर्म के आड़ में अपने आप को बहुत नुकसान भी पहुँचा लेते हैं, तो वो चीज़ अलाउ होगी क्या, नहीं होगी। फिर भी कई धर्म हैं जो फिजिकल टॉर्चर होता है, ठीक है, मतलब अपने आप को मारते हैं, या दुख के भी त्यौहार होते हैं कई बार, तो वो सब जैन धर्म में व्रत के द्वारा ही शरीर त्याग देते हैं, है ना, जिसको क्या बोलते हैं संथारा, ठीक है, जिसमें कई लोग जो हैं वो फास्टिंग करते हैं, और फास्टिंग इसलिए करते हैं कि क्योंकि अब उन्हें और जीना, चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसे अपने प्राण त्यागे थे, जैन धर्म स्वीकार कर लिया था लास्ट में, और व्रत या संथारा के द्वारा उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया, ठीक है। हाँ, तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आप व्रत, वैसे भी साइंस भी इस बात को सजेस्ट करता है कि हफ्ते में एक या दो दिन आप या तो खाना ना खाएं, या तो कम खाएं, या तो एक आध टाइम का खाना स्किप करें, ठीक है, लेकिन ऐसा व्रत जो आपको सीधा मृत्यु सैया पर लेटा दे, ठीक है, वो क्या नहीं है, वो अलाउ नहीं। क्या भगवान खुश इसलिए नहीं होते क्योंकि आप व्रत कर रहे हो, भगवान खुश तब होंगे जब आप अच्छे इंसान हो। अच्छा नहीं, हाँ हाँ वो, या अपने ऊपर आपका एक कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, क्या आपके पास सारे पकवान है, सब पूरे घर वाले अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं लेकिन आप नहीं खा रहे हो क्योंकि आपने एक प्रण लिया है कि आज आप उपवास करेंगे, और उसमें भगवान का नाम जुड़ जाता है, थोड़ा डर लगता है कि अगर खा लिया चोरी से और कुछ बाद में कुछ दंड देंगे भगवान, है ना, तो इसलिए फिर डर के मारे हम लोग खाते नहीं, भूख लगती तब भी नहीं खाते, ठीक है। चलिए लिखेंगे आगे, लिखेंगे सामाजिक कल्याण और समाज सुधार के लिए, पैराग्राफ चेंज करके इसी में
सामाजिक कल्याण और समाज सुधार के लिए धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। सामाजिक कल्याण और समाज सुधार के लिए धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी कल्याण में कोई धार्मिक प्रथा बाधा बन रही है तो उसे रोका जा सकता है। आर्टिकल 26, तो 25 में तीन वर्ड हमेशा याद रखना, अंतःकरण, आचरण और प्रचार। किसका? जिस धर्म को आप मान रहे हैं उसका लिखेंगे। नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन बदलना चाहे तो बदल सकता है, नाम बदल सकता है। ठीक है, क्योंकि वेरियस फॉर्म में धर्म वगैरह फिल तो किया ही जाता है। ठीक है, तो बदलते हैं लोग, अपना नाम बदलते हैं। ठीक है, तो वो हाँ, तो कर सकता है, अंतःकरण कर सकता है वो चाहे तो। उस पर ऐसा दबाव नहीं कि उसको अपना नाम बदलना पड़ेगा, ऐसा कोई दबाव नहीं। ठीक है, क्या जो कोई पूछा जाता है कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, इसका नहीं आरक्षण धार्मिक आधार पे कोई आरक्षण नहीं है भारत में। ठीक है, इसका एक तो हमारे यहाँ पे सेंसेस होती है, धार्मिक जनगणना, पता चल जाए कि कौन कितना है। अलग अलग समय पे रिपोर्ट मांगी जाती है कि किस डिपार्टमेंट में किस धर्म के कितने लोग काम कर रहे हैं, तो एक रिकॉर्ड रहता है। क्या रहता है? एक क्लासिफिकेशन है धर्म के आधार पर भी इंडियन सोसाइटी का, क्योंकि यहाँ पे तमाम तरह के धर्म हैं। अब कुछ धर्म माइनॉरिटी और मेजॉरिटी भी बहुत बड़ा मैटर करती है। सरकार कोई स्कीम निकालती है माइनॉरिटी के लिए तो उन्हें पता तो चले कि कितने लोग क्या है, किस डिपार्टमेंट में कितने माइनॉरिटी को जॉब मिली है। रिजर्वेशन माइनॉरिटी के बेसिस पर देते हैं, और कहीं ना कहीं माइनॉरिटी हमारे यहाँ पे धार्मिक है। वैसे संविधान में भाषा ही माइनॉरिटी की बात की गई है, लेकिन किस आधार पर है माइनॉरिटी? धर्म क्या? तो एक रिकॉर्ड रहे सरकार के पास कि कौन कितने लोग किस किस धर्म से बिलोंग करते हैं। क्लियर है? चलिए लिखेंगे आर्टिकल 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स हिंदी में ही लिखेंगे, सब हिंदी मीडियम के हैं। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, चलिए बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आप कोई धार्मिक संस्था बनाना चाहते हैं जो किसी धर्म के बेसिस पर है, ठीक है, तो वो आपको क्या है? फ्रीडम है। उसका मैनेजमेंट कैसा होगा उसकी आपको टोटली फ्रीडम। ठीक है, तो कोई धर्म के आधार पर कोई ग्रुप या कोई संस्था या कोई चैरिटी आप बनाना चाहते हैं तो आप उसके लिए पूर्ण रूप से क्या है, ये आर्टिकल नंबर 26 बोलता है। ठीक है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता लिख लीजिएगा। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना करने, व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना करने, पोषण करने, पोषण करने मतलब पैसे वगैरह अरेंज करने, पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन करने, सम्मत मतलब विधि के अनुसार संपत्ति के अर्जन करने, स्वामित्व व प्रशासन करने का अधिकार है। विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन करने, स्वामित्व व प्रशासन करने का
स्वामित्व व प्रशासन करने का अधिकार है। स्वामित्व व प्रशासन करने का अधिकार है। ठीक है, एक बार फिर से समझिएगा। 26 क्या बोल रहा है? धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन। आप हिंदू धर्म के हैं, आप जैन हैं, बौद्ध हैं, आपने कोई धार्मिक कल्याण के लिए कोई संस्था बनाई, बना लिया आपने। अब उस संस्था से काफ़ी सारे लोग जुड़ रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। जो संस्था आपने 4-10-50 हज़ार से शुरू करी थी, अब वो लाखों करोड़ों का उसके पास क्या है? फंड है कि नहीं है? डोनेशन से मिला तो वो प्रॉपर्टी रखने का भी क्या है? फंडामेंटल। ऐसा नहीं कि इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी सरकार छीन लेगी। कितने सारे मंदिर हैं, ट्रस्ट हैं जिनके पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, साईं बाबा ट्रस्ट है ना, या साईं बाबा टेम्पल। इवन दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी, वर्ल्ड का सबसे अगर कोई रिच टेम्पल है तो वो कौन सा है? तिरुपति बालाजी। ठीक है, फिर साईं टेम्पल शिरडी। तो क्या है इनकी अपनी कितनी प्रॉपर्टी है? ये जो टेम्पल के ट्रस्ट हैं इनकी करोड़ों रुपए की, मतलब इतनी प्रॉपर्टी है कि हो सकता है इनको खुद ही नहीं पता हो इतनी प्रॉपर्टी है। लोग क्या करते हैं? श्रद्धा से जाते हैं और वहाँ पे क्या करके आते हैं? डोनेट करके आते हैं। और वो पैसे वहाँ इकट्ठा होता है तो पूरा मंदिर भी बनाया जाता है, फिर काफ़ी सारे हॉस्पिटल भी होते हैं मंदिर के, फिर मंदिर का भंडारा भी चल रहा होता है और सारे जो काम है वो उसी पैसे से क्या होते हैं? रन होते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये सारा जो पैसा होता है, अगर आप कोई धार्मिक संस्था बनाते हैं और उसका जितना भी पैसा है धार्मिक संस्था का, वो उस पर कर नहीं लगता, वो टैक्स फ्री होता है। गुरुद्वारा के बारे में सुना होगा आपने, सबसे जो इम्पोर्टेंट गुरुद्वारा है आपका अमृतसर या हरमंदिर साहिब। ठीक है, 24 आवर लंगर चलता है, कितने लोग हैं नीडी लोग जो उसी पर डिपेंड है, खाना मिलता है उनको। पैसे कहाँ से आते हैं? जो श्रद्धालु लोग हैं वो वहाँ पे क्या करते हैं? चैरिटी करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी चैरिटी करती हैं और उस पैसे से वहाँ पे हर चीज़ मैनेज होती है और उस पैसे पे क्या नहीं लगता? कर फ्री होता है, उसको कोई GST नहीं लगेगी। ठीक है, इसलिए अभी जब GST आया था 2017 में, तो किराने पर, किराने का सामान जब खरीदते हो तो उस पर क्या लगता था? अभी हम लोग खरीदते तो लगते ही है। तो ये मुद्दा उठा था कि गुरुद्वारे में जो खाना बनता है तो एक दिन में कई कई लाख रुपए का राशन आता है। ठीक है, लाखों लोग खाना खाते हैं, उस पर GST लगेगा तो वो किस चीज़ का वायलेशन होगा? कि धार्मिक स्वतंत्रता का क्या है? तो गवर्नमेंट ने बोला कि जो गुरुद्वारे के लिए, किचन के लिए जो खाना आएगा वो क्या रहेगा? GST से फ्री रहेगा, उस पर GST या उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर है? तो जितने भी धार्मिक संस्थाएँ, धार्मिक चैरिटी है, चाहे वो कोई चर्च हो, चाहे वो कोई गुरुद्वारा हो, चाहे वो कोई मंदिर हो, चाहे वो कोई मस्जिद हो, इनके पास जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके पास जितने भी अकाउंट्स हैं, इनके जितने फंड्स हैं, वो सब क्या होंगे? कर मुक्त होंगे, सरकार उन पर कोई कर नहीं लेगी। और इन्हें, इनके मैनेज कैसे, इनको मैनेज करना है, कहाँ से पैसे जुटाने हैं, इस बात की पूरी पूरी स्वतंत्रता दी गई है। कौन से अनुच्छेद में? क्योंकि कोई व्यक्ति धर्म का प्रचार कब कर पाएगा? जब उसके पास पैसे होंगे। तो संस्था बनाने की उसे क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई। क्लियर हो गया है? धार्मिक संस्था बनाने की इंडिपेंडेंस दी गई है। कौन से आर्टिकल में? प्रबंधन करने की। लिख लो इसको। ओके, क्या लिखा था हमने? व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना करने, कौमा पोषण करने। पोषण करने मतलब पैसे वगैरह अरेंज होंगे, उसको पोषण बोलेंगे। विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन करने का अधिकार है। अधिकार है इसके अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित है, ABC करके लिखो। पॉइंट ए या का, पॉइंट नंबर का क्या है? धार्मिक और चैरिटी
चैरिटी मतलब दान वगैरह होता है, धार्मिक और चैरिटी प्रयोजनों के लिए, चैरिटी प्रयोजनों के लिए। संस्थाओं की स्थापना और पोषण, प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण। बी यखा, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन या अपने धर्म से संबंधित कार्यों का प्रबंधन, अपने धर्म से संबंधित कार्यों का प्रबंधन। संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार, सी पॉइंट या गा। संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार, अब संपत्ति दो तरह की होती है, एक मूवेबल एक इमूवेबल, चल और अचल। चल मतलब आपके पास पैसे हैं या सोना है या कुछ है पॉकेट में लेके, या कहीं भी आप उसे मूव करा सकते हैं। अचल आपका कहीं प्रॉपर्टी है, कहीं घर है, भोपाल में अब आपको शिफ्ट होना है, कहीं अहमदाबाद शिफ्ट होना है, तो वो कैसी संपत्ति है, इसको आप तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, समय लगेगा। दोनों संपत्तियां रखने का अधिकार है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं चल और अचल दोनों, चल और अचल दोनों। डी यस घा नंबर का पॉइंट है, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। ठीक है, तो जितने भी धर्म हैं वो क्या कर सकते हैं, अपना कोई संस्था बना सकते हैं, उस संस्था के लिए फंड अरेंज कर सकते हैं, संपत्ति रख सकते हैं, संपत्ति का प्रशासन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है ये, और हिंदू के अंतर्गत जितने भी मत हैं, वैष्णव शैव ये सब किस मत के अंतर्गत आएंगे, ये हिंदू के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अनुच्छेद 27 पे आ जाओ, 27। किसी विशिष्ट धर्म की, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए, विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के अभिवृद्धि के लिए करों के संबंध में स्वतंत्रता, कर मतलब टैक्स, करों के संबंध में स्वतंत्रता। करों के संबंध में स्वतंत्रता, ठीक है लिख लीजिए। किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए, किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जिसकी आय किसी विशिष्ट धर्म, जिसकी आय किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की
धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय हो रही हो। संप्रदाय किसी क्या लिखा था, किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसकी आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय हो रही हो। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन की या किसी इंडिविजुअल की जो इनकम है वो धार्मिक खर्चों में जा रही है तो उस पर कोई भी कर नहीं लगेगा। जो रिलीजियस फंड्स हैं वो पूरे के पूरे, जैसे अभी देखा था, जितने भी ट्रस्ट हो सकते हैं, टेम्पल के हो सकते हैं, मस्जिद के हो सकते हैं, गुरुद्वारे के हो सकते हैं, चर्च के हो सकते हैं, वो सब क्या रहेंगे, कर मुक्त रहेंगे, क्या रहेंगे, टैक्स फ्री। क्लियर है, लिखेंगे आगे अनुच्छेद नंबर 28। आर्टिकल नंबर 28 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासनाओं में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप सिविल सर्विसेज करने आए, अब यहाँ पर रोज आपको किसी धर्म के बारे में पढ़ाया जाए जिसका आपके सिलेबस से कोई कनेक्शन नहीं, ठीक है, तो ये आपके मौलिक अधिकारों का क्या है, उल्लंघन माना जाएगा। क्योंकि आपको कोई धार्मिक क्लास लेनी है या नहीं लेनी है ये आपकी इंडिविजुअल च्वाइस है, ठीक है। इसलिए आर्टिकल 28 में कहा गया है, क्योंकि होता क्या है कि कुछ, जैसे कि आर्य समाज को माना गया है कि ये किस धर्म की संस्था है, हिंदू धर्म की संस्था है। अभी हमने देखा था ना संस्था बनाने का अधिकार, उसी के अंतर्गत आर्य समाज आएगा, ब्रह्म समाज आएगा, ये सब किस धर्म से रिलेटेड है, ठीक है, गोरक्षणी सभा जितनी भी इस तरह की है ये सब हिंदू धर्म। इसी तरह से मदरसा वगैरह अगर हम बात करें तो किसके अंतर्गत काउंट होगा, मुस्लिम के अंतर्गत, ठीक है। तो ये जितनी भी ये संस्थाएं हैं, आर्य समाज के कई सारे स्कूल हैं, ब्रह्म समाज के स्कूल हैं, सरस्वती विद्या मंदिर आपने सुना होगा, कौन से इंस्टीट्यूशन का स्कूल है वो, गायत्री परिवार, ठीक है, उनके सरस्वती विद्या मंदिर होते हैं ना, तो अगर आप उसमें एडमिशन लेते हैं उस स्कूल में, कोई पढ़ा है जो गायत्री मंदिर पढ़े हो, क्या करवाते हैं गायत्री मंदिर में, कुछ धार्मिक काम करवाते हैं क्या, पूजा पाठ करवाते हैं। अब आप तो हिंदू धर्म से संबंधित हो तो आपने कर ली, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम बच्चा है और वो गायत्री परिवार में क्या करता है, एडमिशन ले ले, हाँ उसको क्या है, अगर उसने एडमिशन ले लिया तो क्या कर सकता है उसको, ये स्वतंत्रता है कि वो धार्मिक काम ना करे, ठीक है। जैसे आप किसी उसमें एडमिशन लेते हो, क्रिश्चियन स्कूल काफ़ी सारे हैं जिनको हम कॉन्वेंट बोलते हैं, वहाँ पे भी क्या होता है, जो क्रिश्चियन बच्चे उनके लिए अलग से क्लासेस भी लगती हैं जिनमें उनको क्रिश्चियनिटीज के बारे में पढ़ाया सिखाया जाता है। अब आप भी उस स्कूल में पढ़ रहे हो, कुछ चीज़ें तो वो कल्चर तो आप सीख जाओगे थोड़ा बोड़ा, लेकिन अब आपको तो इंडिपेंडेंस है कि आप वो वाली क्लास
क्योंकि आप उस धर्म को बिलोंग ही नहीं करते, तो आपको पूर्ण स्वतंत्रता है। आप बिलोंग नहीं करते लेकिन आप फिर भी क्लास लेना चाहते हो, क्लास लेने की भी पूर्ण स्वतंत्रता है। आप बिलोंग करते हो फिर भी आप क्लास नहीं लेना चाहते, तो भी आपको पूर्ण स्वतंत्रता है, ठीक है। तो धार्मिक जो संस्थाएं हैं वहां पे धार्मिक शिक्षा लेने के संबंध में स्वतंत्रता है, लेकिन जो संस्थाएं हैं वो आपके साथ क्या जबरदस्ती कर सकती हैं, तो वो बिल्कुल भी, वो इंडिविजुअल। और यहाँ पे जो शिक्षा दी जाती है वो पेरेंट्स फॉर्म भरता है, उसमें पेरेंट्स अलाउ करते हैं कि आप बच्चों को धार्मिक शिक्षा, पूजा पाठ, संस्कृत के मंत्र, ये सब चीज़ें क्या करो सिखाओ। लेकिन अगर कोई नॉन हिंदू व्यक्ति और अगर वो आर्य समाज या ब्रह्म समाज या गायत्री परिवार के किसी विद्यालय में प्रवेश लेता है, तो उसको पता है कि ये चूँकि धार्मिक स्वतंत्रता है तो ये संस्थाएं अपने बच्चों को इन धर्मों की बातें सिखाएंगी। अब वो चूँकि उस धर्म का नहीं है, हिंदू नहीं है, नॉन हिंदू बच्चा है, तो उसके पेरेंट्स यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारे बच्चे को किसी धार्मिक काम में आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे, या अलाउ कर देंगे कि कर दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो करेंगे। नॉन हिंदू होके भी हिंदू रिचुअल्स और हिंदू संस्कृति के बारे में सीख लेगा, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। लेकिन दबाव डाल के किसी को कान पकड़ के नहीं पढ़ाया जाएगा कि बेटा चलो आ जाओ आज ऋग्वेद का पाठ करेंगे, भले तुम संस्कृत में कुछ नहीं आता हो, चाहे तुम किसी भी धर्म के हो, तुम इस स्कूल में आए इसलिए तुम्हें ये पढ़ना पड़ेगा, ये बिल्कुल भी। इवन कहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जाएगी इसका भी प्रोविज़न है इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा है कि कोई ऐसा स्कूल जो 100% स्टेट फंडेड है, मतलब जो सरकारी स्कूल है जिसका 100% खर्चा कौन उठाती है, सरकार उठाती है, वहाँ पे कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, नो रिलीजियस एजुकेशन। तो वहाँ तो ये कोई सवाल ही नहीं उठता है ना, कि ज़बरदस्ती चॉइस है आपको कि कौन सा पढ़ना है नहीं पढ़ना। ऐसे विद्यालय, ऐसे स्कूल, ऐसे कॉलेजेस, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो 100% सरकारी खर्च पर चलते हैं, वहाँ पे कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, वहाँ पे सिर्फ पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाएगा। क्लियर हो गया? अगर पाठ्यक्रम में कोई व्यक्ति है जो धार्मिक है, ठीक है, जैसे कबीरदास और सूरदास, ऐसा थोड़ी है कि कोई दूसरे धर्म के लोग नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ना। जीसस क्राइस्ट के बारे में कोई दूसरे धर्म के लोग नहीं पढ़ेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? क्रिश्चियन के संस्थापक है। या प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, ऐसा कहीं है क्या? इस्लाम के संस्थापक है। तो कुछ पर्सनालिटी है धर्म, वो किसी धर्म को मानती थी। अब ऐसा थोड़ी हम गांधी जी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि गांधी जी हिंदू थे और हम तो हिंदू नहीं हैं, ऐसा है क्या? ठीक है, या हम कबीर को नहीं पढ़ेंगे, या हम तुलसीदास को नहीं पढ़ेंगे, या हम इनको नहीं पढ़ेंगे, गुरु नानक को नहीं पढ़ेंगे, वो तो दूसरे धर्म के थे, महावीर को नहीं पढ़ेंगे, या गौतम बुद्ध को नहीं पढ़ेंगे, ऐसा है क्या? आपके सिलेबस में जो भी है, चाहे वो किसी धर्म के हों, आपको उनके बारे में क्या करना है, पढ़ना ही है। वो इसमें नहीं आएगा कि हमें तो धार्मिक दूसरा धर्म पढ़ा दिया, धर्म भ्रष्ट हो गया हमारा, तो आज से हम तो ये धर्म के नहीं रहे। वो आपके सिलेबस का है, वो आपको पढ़ना है। लेकिन अलग से जो धार्मिक कर्मकांड होते हैं वो चीज़ आपको यहाँ तो नहीं सिखाई जाएगी। ऐसे विद्यालय जिनमें आंशिक तौर पे सरकार का क्या है, पार्टिसिपेशन है, और किसी दूसरे दो या दो से ज़्यादा पार्टी का वो स्कूल है, वहाँ पेरेंट्स की परमिशन से बच्चों को धार्मिक शिक्षा अगर दी जा रही है तो दी जा सकती है। क्लियर हो गया? तो ये जो है, लेकिन जो 100% सरकारी फंड है वहाँ पे कोई धार्मिक शिक्षा होगी ही नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशन है जो बहुत ओल्ड है ना, वहाँ पे उनके स्कूल हैं, इस धर्म धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है। अगर दूसरे धर्म का व्यक्ति वहाँ पढ़ने आता है तो क्या होगा, उसको उसके पेरेंट्स की अनुमति से, या हाँ भी बोल सकते हो और ना भी बोल सकते हो, अगर ना बोला है तो उस बच्चे को उस धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये बात कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल नंबर 28, कि वो आपकी इंडिपेंडेंस है कि धार्मिक शिक्षण संस्थानों में आपको उस धर्म की शिक्षा लेनी है कि नहीं। अब बच्चा तो इतना कैपेबल नहीं है कि वो डिसाइड कर ले कि कर लेगा। किसी चौथी पाँचवीं छठवीं क्लास के बच्चे को पता ही धर्म क्या है, जो पढ़ाएगा पढ़ के आएगा, कौन डिसाइड करेंगे? उसके माँ बाप, उसके गार्जियन, लेना है कि नहीं लेना। इज दैट क्लियर? तो ये अधिकार कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 28। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये भी।
ठीक है। अभी जब 21 जून को क्या मनाते हैं विश्व योग दिवस, मनाते हैं ना वर्ल्ड योग डे, कब से मनाया जा रहा है? 2016 इंडिया के आग्रह पर 21 जून को विश्व योग दिवस के तौर पे मनाया गया। क्यों? क्योंकि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, ठीक है, और ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। मतलब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है, तो इसी दिन उन्होंने बोला भारत सरकार ने कि क्या होती है इंटरनेशनल योग डे, एक्सेप्ट कर लिया। इंडिया के सभी ऑर्डर दिए गए आपको क्या करना है, सूर्य नमस्कार करना है। कई लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, क्या किया कि ये सूर्य नमस्कार है ये तो धार्मिक एक्टिविटी है। कैसी एक्टिविटी है? धार्मिक एक्टिविटी, और हम तो चूंकि मुस्लिम है या हम क्रिश्चियन है तो हम क्यों करें? अब सारे स्कूल तो गवर्नमेंट फंडेड नहीं है, इसमें तो गवर्नमेंट फंडेड स्कूल में भी बोल दिया कि क्या करना है सबको, क्या होगा ना आप लोगों ने स्कूल में कि नहीं किया? जब इंटरनेशनल योगा डे नहीं मनाते तब भी 12 जनवरी को क्या करते थे, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को हम लोग योग करते थे, स्कूल में किया होगा, अपन सबने किया। तो कई लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज किया कि हम नहीं करेंगे, या ये हमारे रिलीजन के क्या है आर्टिकल 28 का वॉयलेशन है, ठीक है, कंपलसरी नहीं करना है, जिसको करना है करो, जिसको नहीं करना है नहीं करो। तो भारत सरकार ने फिर से एक आदेश जारी किया और बोला कि ये एक एक्सरसाइज है। क्या है ये? सूर्य नमस्कार एक एक्सरसाइज है ना, और ये कोई धार्मिक एक्टिविटी नहीं है, इसको धार्मिक एक्टिविटी मानना गलत है। इसको आप किस तौर पे देखें? जस्ट व्यायाम के तौर पे देखें, और व्यायाम कभी भी धार्मिक कैसे हो सकता है? ये धार्मिक तब होगा जब सूर्य नमस्कार करते करते आप कोई मंत्र वगैरह का जाप करते हैं, ठीक है। तो मंत्र वगैरह जो है अगर वो में लिखे हैं तो ऑफकोर्स वो क्या माने जाएंगे, धार्मिक वो एक्टिविटी मानी जाएगी, लेकिन सूर्य नमस्कार जस्ट एक्सरसाइज एंड नथिंग एल्स। तो फिर ये उन्होंने इसको रिप्लाई में दिया, और फिर भारत ही क्यों, दुनिया के हर देश कर रहा है सूर्य नमस्कार, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज मानी जाती है, हर कोई तो कर भी नहीं सकता, हालत ही ख़राब हो जाएगी करने में। तो फिर इस तरह से ये मुद्दा भी किसके अंतर्गत आएगा? आर्टिकल नंबर 28 के अंदर, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो आते हैं अपन आर्टिकल नंबर 28 को थोड़ा सा डिटेल में लिख लेते हैं। लिखिएगा, समझ में आ गया 28 क्या है? लिखेंगे, इस अनुच्छेद के अनुसार 28 में लिखेंगे, इस अनुच्छेद के अनुसार कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता होगी, तथा राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्था में कोई विशेष धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, साथ ही ऐसे राज्य निधि से पोषित
शिक्षण संस्था अपने विद्यार्थियों को पोषित शिक्षण संस्था अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्म उपदेश को किसी धर्म उपदेश को जबरदस्ती सुनने हेतु जबरदस्ती सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते बाध्य नहीं कर सकते जबरदस्ती सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है, फोर्स ये नहीं डाल सकते कि आप आकर कॉलेज में भी आपने देखा होगा, इवन हम लोग तो धार्मिक उपदेश तो छोड़ दो, नॉर्मल भी कॉलेज में कभी कभी कोई स्पेशल गेस्ट वगैरह आते हैं, उनके लेक्चर्स होते हैं, तो सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, बैग उठा के भाग जाते हैं। सिर्फ हॉल में कुछ गिने चुने लोग ही जो जिनको ज़्यादा ज्ञान प्राप्ति करनी होती बस वही नज़र आते हैं। ठीक है, या तो टीचर उनको स्पेशली पकड़ के बोल देते कि बेटा तुम्हें आज यहाँ बैठे नहीं है, तो मजबूरी में क्या करना पड़ता है, बैठना पड़ता है। ठीक है, अच्छा हाँ, तब भी बिठाते थे जबरदस्ती। ठीक है कि सुनो बैठ कर यहाँ पे, तो लोग तो निकल लेते थे पहले, जैसे ही कुछ ऐसी खबर आई उड़ती उड़ती, सबसे पहले अपन ही उठ के सीधा कैंटीन में पहुंच जाओ, है ना, वहाँ कुछ बैठो खाओ पियो और घर निकलो, यही तो करते थे कॉलेजेस। ठीक है, इतनी मक्कारी करी कि कोरोना ने कॉलेज ही बंद करा दिया, कुछ बचा ही नहीं करने के लिए, स्कूल तक बंद हो गए। तो कोई धार्मिक उपदेश अगर कोई दे रहा है, मान लीजिए कोई महान संत आए हुए और प्रवचन शुरू करने वाले हैं स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर, और प्रिंसिपल ने अनाउंस कर दिया कंपल्सरी, वरना किसी को नंबर नहीं मिलेंगे, सबको फेल कर दूंगा मैं CCE में, ये फाइनल परीक्षा, तो ऐसा किया नहीं जा सकता। हाँ, परीक्षा देना कंपलसरी, परीक्षा नहीं दोगे तो फेल हो जाओगे, लेकिन वो धार्मिक उपदेश सुनना कंपलसरी नहीं है आपके लिए, वो आपके मौलिक अधिकारों का क्या है, वो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, आपकी फ्रीडम है कि आप उसी धर्म से भले ही बिलोंग कर रहे हो फिर भी आप उसको स्किप कर सकते हैं, ये आपका क्या है, मौलिक अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत हमें चार मौलिक अधिकार दिए। सबसे पहला मौलिक अधिकार बहुत सिंपल है, 25 अनुच्छेद, अंतःकरण मतलब धर्म को मानना, जन्म से मिला है वो तो हम मानते ही हैं, हम चाहें तो आप पढ़ लिख जाते हैं, आपको लगता है कि ये वाला धर्म तो काफ़ी अलग ही है ना, भोपाल में बन रहा है कॉन्डम। हाँ
तो वो सरस्वती वंदना को आप सरस्वती को एज अ नॉलेज कैसे वर्शिप करते हैं? नॉलेज के लिए हम उसको वर्शिप करते हैं, ठीक है? मतलब ज्ञान मिल रहा है और ज्ञान तो सभी ले रहे हैं, तो उसको भी धार्मिक जो एसेंस है वो नहीं माना गया। इसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था कि सरस्वती वंदना होती है ये, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये भी क्या नहीं है, मतलब इसको स्कूल में किस पॉइंट से देखते हैं, एक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ज्ञान के लिए, ठीक है? अब गणेश वंदना या शिव वंदना हो रही तो वो चीज़ फिर क्या होगी? और उसमें भी फ्रीडम है कि अगर हो रही है, जैसे कि अगर कुछ है, जैसे कुछ ओकेशन वगैरह होते हैं, ठीक है, तो कुछ रिलीजियस मंत्र उच्चारण वगैरह करते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आता है? जैसे आपने देखा होगा कि सेलिब्रेशन हो रहा है 26 जनवरी का या 15 अगस्त का स्कूल या कॉलेज में, ठीक है, तो कई बार कुछ संस्कृत के श्लोक वगैरह हैं जिनसे हम क्या करते हैं, अपनी बात शुरू करते हैं या ख़त्म करते हैं, तो वो हमारा पर्सपेक्टिव है कि हम उस मैटर को उस पर्टिकुलर धार्मिक मंत्र के साथ क्या करते हैं, जोड़ के देखते हैं, वो हमारा पर्सपेक्टिव है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने वाला व्यक्ति बोल सकता है, ठीक है? तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, ये जो केस हुआ था कोर्ट में, कि ये जो मंत्रोच्चारण वगैरह होता है कभी कभी स्कूल्स में या फिर स्पीचेस में यूज़ होते हैं ऋग्वेद और इनके, तो उन्होंने बोला था ये यूनिवर्सल मैसेज है, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ठीक है? तो आप इसको एक धर्म से जोड़ के क्यों देख रहे हो? इसका जो इसके अंदर जो छुपे हुए भाव है वो जगत कल्याण की बात करते हैं, ठीक है? भले ये जो चीज़ है ये किसी धार्मिक ग्रंथ से, जैसे कि सत्यमेव जयते पर केस हुआ था, कि सत्यमेव जयते क्या है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है जो कि हिंदू धर्म की बुक मानी जाती है। अब भारत तो धर्मनिरपेक्ष देश है, तो एक किसी धर्म की किताब के स्लोगन को आपने कैसे ले लिया, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये बोला था कि मैटर ये नहीं करता कि वो किस किताब से लिया, किस धर्म की से लिया, मैटर ये करता है कि उसकी जो मूल भाव है वो तो किसी धर्म को आहत नहीं पहुँचा रहे। सत्यमेव जयते, हर धर्म में सत्य की विजय होती, यही बोला गया है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या है ये? और उनको किसी ग्रंथ में लिख दिया, इसका मतलब नहीं कि ये वो उस धर्म के हो गए, ये हम सब के हैं, ठीक है? तो कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ को उन्होंने क्या करा है, वो किसी की भी किताब के हो, चाहे वो बाइबल के हो, चाहे कुरान के हो, चाहे गीता हो या महाभारत हो, है ना, कर्मण्ये वादिका रस्ते मा फलेषु कदाचन, कितना पॉपुलर कोट है ये, ठीक है? और दुनिया के हर धर्म में इसको अलग अलग तरीके से क्या किया गया है। अगर इसको कहीं कोट करते हैं आप, या इसको किसी स्कूल की दीवारों पर लिख दिया गया है, ठीक है, सरकारी स्कूल की दीवारों पर, और कोई केस कर दे कि सरकारी फंडेड स्कूल में तो धर्म की बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ तो गीता का लिख दिया, कर्मण्ये वादिका रस्ते, क्या है, तो वो क्या संदेश दे रहा है वो मैटर करेगा, ना कि वो किस किताब के, किस पन्ने के, किस पॉइंट से उठाया गया है, ये मैटर नहीं करेगा, ठीक है? और संस्कृत में लिखा है, संस्कृत कृषि एक धर्म की भाषा तो है नहीं, संस्कृत तो सनातनकालीन भाषा है, सबसे पुरानी भाषा है, जितनी भी भाषाएं लगभग सबकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं कहाँ से हुई है, संस्कृत से ही हुई है। तो किसी भी भाषा को एक धर्म के साथ जोड़ देना ये मूर्खता है। जैसे उर्दू को मुसलमानों से जोड़ देते हैं, क्या जोड़ते हैं कि उर्दू किसकी है, और पाकिस्तान ने उर्दू को अपनी राष्ट्रीय भाषा बना लिया, नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान क्या है, और यही वजह है कि पाकिस्तान का विभाजन हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया। सबसे बड़ी वजह क्या थी, पाकिस्तान डिवीज़न की, उर्दू का राष्ट्रीय भाषा, पाकिस्तान का और उर्दू का कोई लिंक ही नहीं था। उर्दू इंडिया में ज़्यादातर शायरों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा थी, जो कि पंजाब, सिंध, दिल्ली, यूपी वाले क्षेत्र में, मेरठ में खूब बोली जाती थी, ठीक है? बाद में पाकिस्तान अलग हुआ, उसने उसको क्या कर दिया, अपनी राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दी। जबकि हमने देखा, आपको पता होगा कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अलग किस तरह से हुआ था, एक ये वाला सेक्शन और एक यहाँ पे, ज़्यादातर लोग कौन सी भाषा बोलते थे, बांग्ला, बंगाली थे, और यहाँ पे ज़्यादातर लोग मिक्स, हिंदी भी थी, उर्दू भी थी, सिंधी भी थी, सब। यहाँ की नेशनल लैंग्वेज क्या बना दी, किसका दिमाग ख़राब हो गया? ये सबसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं बंगाली, लेकिन अपनी भाषा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। पूरा देश ही अलग हो गया 1971 में,
ठीक है, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल थी। भारत का जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ पार्ट नंबर वन, तो राज्यों के पुनर्गठन में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? भाषा। ठीक है, पॉटिश्री रामुलु ने अपनी जान ही दे दी, 56 दिन की हंगर स्ट्राइक करी, क्या हो गए, ऊपर पहुंच गए, तब जाके आंध्र प्रदेश पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना। मतलब भाषा को लेकर इतना ज़्यादा लोग क्रेजी रहते हैं। मराठी लोगों से अगर बोल दूँ कुछ भाषा के बारे में, ठीक है, काम तमाम कर देंगे आपका। ठीक है, तो भाषा जो है वो हम लोग मध्य प्रदेश में, हमें कुछ मतलब नहीं भाषा से, इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी एक ही भाषा है, वो है हिंदी। ठीक है, और वो जग जाहिर जग की भाषा भी वही, और हम लोगों की भी। हमारे यहाँ पे जो भाषा है रीजनल लेवल पे, बुंदेलखंडी, निमाड़ी, मेवाड़ी, मेवाड़ी तो राजस्थानी भाषा की एक बोली है, मतलब राजस्थान नहीं जो भाषा उसी का एक वर्जन है मेवाड़ी, बघेली, ठीक है, गोंडी, भीली, ये अगर बोल देंगे ना तो लोग जो है मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। स्पेसिफिकली अगर बुंदेलखंडी और ये सब बोल दिया आपने, ठीक है, निमाड़ी बोलते हो ना, निमाड़ी, हाँ, एक दिन माइक खुला छूट गया, सुन लिया हमने, खतरनाक निमाड़ी बोल रहे थे, ठीक है। तो निमाड़ी कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो? खरगोन, खतरनाक निमाड़ी, ठीक है। खरगोन पश्चिमी निमाड़ है, पूर्वी निमाड़, पश्चिमी निमाड़। कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट है खरगोन में? और किसका? मोबाइल बैंक। ठीक है, तो उधर पे तो पूरा अच्छी खासी निमाड़ी चलती है, मिर्ची भी है, निमाड़ी मिर्ची को अभी जीआई टैग मिलने वाला है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वो छोटे लेवल पर चलती है वो भाषा, ठीक है। और एक जो बेसिक है वो है हमारी हिंदी। बाकी गुजरात में मराठी की समस्या क्या है कि वो लोकल लेवल पर भी वही बोलते हैं और राज्य स्तर पर भी वही भाषा है, जैसे मराठी लोकल भी मराठी है, घर में मराठी बोलेंगे, ऑफिशियल वर्क भी मराठी में होंगे, एग्ज़ाम स्कूल में भी मराठी मीडियम में ही पढ़ेंगे, सब कुछ मराठी में होगा। अपने साथ ऐसा, अपने घर की भाषा अलग है, फिर मोहल्ले की थोड़ी स्टैंडर्ड हो जाती है, फिर रिश्तेदारों से थोड़ा और सभ्य हो जाते हैं हम, ठीक है, और फिर स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो और सिविलाइज हो जाते हैं, ठीक है, और एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि भाषा तब वैसे निकलेगी कि सामने कौन बैठा है, उसके हिसाब से हम क्या बोलते हैं, भाषा का चयन करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है मध्य प्रदेश में। बाकी ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी मध्य प्रदेश की क्या है? हिंदी ही है। तो ये जो है कि ये मुद्दे, ये हो सकता है ये आपसे पूछ ले, है ना, कि जब ये सरकारी स्कूल में 100% फंडेड सरकार करती है तो ये जो संस्कृत के श्लोक लिखे रहते हैं दीवारों पे, सत्यमेव जयते हैं, और ये तमाम तरह की गीता के श्लोक हैं, रामायण की कुछ चौपाइयाँ हैं, तो क्या ये इस मौलिक अधिकार का वायलेशन नहीं है? क्योंकि इस स्कूल में तो हर धर्म के बच्चे पढ़ रहे हैं। सिमिलरली जब आप किसी क्रिश्चियन स्कूल में या कॉन्वेंट में जाते हो तो वहाँ पे भी वॉल पे कोटेशन होते हैं और इंग्लिश में होते हैं, और ज़्यादातर बाइबल से इंस्पायर होते हैं। कहाँ से इंस्पायर होते हैं? ऐसे नहीं, कई सारे जो स्कूल हैं, मदरसे वगैरह हैं, उसमें ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम बच्चे ही पढ़ते हैं, कई हिंदू बच्चे भी पढ़ने जाते हैं, और वहाँ पर जो चीज़ें लिखी रहती, कुरान की आयतें वगैरह लिखी रहती, ठीक है। इवन स्कूल में भी कई जगह कुरान के कोटेशन लिखे हैं, और जो बाइबल के इंपॉर्टेंट कोटेशन हैं जो कि हमें क्या करते हैं, एक इंस्पिरेशन देते हैं, मॉरलिटी सिखाते हैं, वो स्कूल में भी लिखे रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का और एक जनरल परसेप्शन भी ये है कि वो स्टेटमेंट बोल क्या रहा है, नथिंग मैटर कि वो किस धार्मिक किताब से उठाया गया, मैटर क्या करता है उसकी जो सीख है वो क्या है, और उसकी सीख क्या है, ह्यूमैनिटी की सीख है कि हम किस तरह एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, जैसे कि हमेशा सच बोलना चाहिए, चोरी करना पाप है, इन्वायरमेंट को स्वच्छ रखना चाहिए, कोऑर्डिनेशन करके रखना चाहिए, चीज़ों को शेयर करना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम अलग अलग जगह पढ़ते हैं, दीवारों पे लिखे रहते हैं, तो ये किस किताब से लिए गए हैं, किस भाषा के हैं, इससे मतलब किस बात से है कि वो हमें क्या सिखा रहे हैं, इसलिए वो चीज़ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 28 नहीं होगा।
क्लियर हो गया। चलिए, तो ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने भी बोली है और हमेशा हमें ये चीज़ याद भी रखनी है। तो आर्टिकल 25 समझ में आ गया, अंतःकरण, आचरण और प्रचार। आर्टिकल 26 क्या बोल रहा है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आर्य समाज बनी, ब्रह्म समाज बनी, कई सारे क्रिश्चियन चैरिटीज जो है वो बने, कई सारे मुस्लिम चैरिटी हैं, तो वो सारी चीज़ें सब किस में आएंगी? देवबंद आंदोलन चला, अलग अलग कई सारी संस्थाएं बनी, वो सब इसके अंदर के आएंगे। ठीक है, आप इनका पैसे जो है उसके लिए ऑनरशिप भी है प्रॉपर तरीके से, लीगल वे में आप प्रॉपर्टी को ऑन कर सकते हो। साई ट्रस्ट है, बालाजीपुरम ट्रस्ट, तमाम तरह के मंदिर और मस्जिद और सब कुछ जो है वो उनकी अपनी प्रॉपर्टी रहती है। ठीक है, किसी ग्रामीण क्षेत्र से अगर आप आ रहे होंगे और आपके गांव में एक मंदिर तो होगी, हर गांव में रहता है। ठीक है, स्पेसिफिकली श्री राम जी की रहता है। ठीक है, बड़ा मंदिर, फिर बाकी और छोटे छोटे के मंदिर, मंदिर की प्रॉपर्टी होती है। कई लोग हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है, या कुछ लोग जिनके बच्चे नहीं हैं, वो बोल जाते हैं कि हमारे बाद हमारी प्रॉपर्टी कहाँ चल जाए, मंदिर में दान दे देते हैं। तो मंदिर मंदिर की ज़मीन होती है, जितनी एक इंडिविजुअल किसान की ज़मीन नहीं होती ना, उससे ज़्यादा किसकी ज़मीन होती है? मंदिर की ज़मीन होती है। और उस ज़मीन से जो भी पैदावार या जो पैसा आता है, वो मंदिर के मैनेजमेंट में, मंदिर को और बड़ा करने में, पूजा पाठ में, या किसी शुभ काम में। कई मंदिर वगैरह जो हैं उनके पूरे ट्रस्ट होते हैं, उसके कुछ मेंबर होते हैं। अब कोई गांव का ट्रस्ट है, मंदिर के पास प्रॉपर्टी है, तो वो बोलते हैं कि इस साल हम 5 गरीब लड़कियों की शादी करा देंगे, या 10 गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा। ठीक है, या 2-4-10 बार जो है खाने वगैरह का प्रोग्राम कर देते हैं। तो मंदिर का जो पैसा है वो लोगों के कल्याण के लिए जाता है। क्लियर है? ठीक है, जैसे साईं बाबा ट्रस्ट कितना बड़ा है, उनके कई हॉस्पिटल है जहाँ पे बड़ी बड़ी डिसीज़ के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, लोगों का खाना फ्री में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके लिए आप अमृतसर का गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब सबसे बड़ा एग्जांपल है। ठीक है, 24 आवर कभी भी वहाँ का किचन शट नहीं होता, और बहुत बड़ी क्वांटिटी में और बहुत ही स्वादिष्ट और न्यूट्रिशियस खाना वो लोगों को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सब कहाँ से आता है? पहले कोई इंस्टीट्यूशन, किसी ने तो सोचा होगा कि हमें गुरुद्वारा ट्रस्ट बनाना है, और आज जाके वो इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन बन गया कि वर्ल्ड के लार्जर इंस्टीट्यूशन में उसका नाम हो रहा है। क्लियर है? तो ये उनको फ्रीडम है, उन पर कोई भी टैक्स लगता। ये आर्टिकल नंबर 27 में बात बोली है। 27 बोल रहा है कि जितने भी धार्मिक संस्थाएँ वगैरह चल रही हैं, चैरिटी चल रही हैं, उनकी जितनी भी संपत्ति है उस पर कभी कोई कर सरकार लगाएगी नहीं, वो कर मुक्त रहेंगे। क्लियर है? और फिर एक और था आर्टिकल नंबर 28 कि जो शिक्षण संस्थाएं, चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे वो कॉलेजेस हों, चाहे वो कुछ भी हो, अगर वो 100% सरकार फंडेड है तो कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर पार्शियली फंडेड है या प्राइवेट है तो धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, बट विद दी असेंट ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स की अनुमति से, बच्चे के पेरेंट्स अलाउ करेंगे तो। ठीक है, और ये 4 तरह की धार्मिक स्वतंत्रताएं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? चारों फंडामेंटल राइट क्लियर हो गए हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट नंबर 5, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, ये हमारा मौलिक अधिकार है। इसमें 2 आर्टिकल हैं, लिखेंगे ब्रैकेट में आर्टिकल नंबर 29 और 30। कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ठीक है, क्या है ये समझते हैं। ये फंडामेंटल राइट जनरली अल्पसंख्यकों के लिए है। ठीक है, किन के लिए? माइनॉरिटी के लिए। अब ये माइनॉरिटी क्या होती है ये थोड़ा सा देख लेते हैं।
आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30। ठीक है, ये अनुच्छेद दोनों ही आर्टिकल किससे रिलेटेड है? अल्पसंख्यक। जैसे संविधान ने कुछ शब्दों को परिभाषित नहीं करा है, ठीक है, जैसे अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं करा है, नागरिकता को परिभाषित नहीं करा, उसी तरह से अल्पसंख्यक की भी कोई बड़ी परिभाषा संविधान ने नहीं दी। बस इतना बताया है कि किसी क्षेत्र विशेष में, ये एरिया है, यहाँ पर किसी भाषा, लिपि या संस्कृति के लोग अगर कम हैं, कितने कम हैं, जो टोटल लोग हैं उनका 1/10 या इससे कम है, कितने हैं, 1/10 से कम, ऐसे लोग हैं जो कॉमन लोग, जो भाषा, जो लिपि, जो संस्कृति फॉलो कर रहे हैं, इनकी भाषा, संस्कृति, लिपि इन बाकी लोगों से क्या है। मान लीजिए यहाँ पे 100 लोग हैं, इस पूरे एरिया में कितने लोग रहते हैं, 100 लोग हैं, ठीक है, ये पूरा देश यहाँ पे 100 लोग हैं। अब इनमें 99 या 98 या 97 लोग जो हैं उनकी भाषा या लिपि या संस्कृति समान है। बच्चे कुछ 7-8-9 लोग हैं जो कि अलग भाषा बोलते हैं, अलग कल्चर फॉलो करते हैं। तो जो 7-8-9 लोग अलग हैं उनको क्या माना जाएगा, उनको अल्पसंख्यक बोला जाएगा। अब इनकी तुलना में इनको कुछ ज़्यादा राइट मिलने चाहिए, क्या मिलने चाहिए, ठीक है, ताकि ये अच्छे से सर्वाइव कर सके, ठीक है। तो जो अलग हैं लोग किसके बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर या कल्चर के बेसिस पर। क्वेश्चन आता है, भारत में अल्पसंख्यक कैलकुलेशन का आधार क्या है, किस आधार पर माइनॉरिटी को हम कैलकुलेट करते हैं, ईदर लैंग्वेज और स्क्रिप्ट और कल्चर। ये गलत फहमी है कि हमारे यहाँ धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को माना जाता है। अल्पसंख्यक होने का धार्मिक आधार हमारे देश में, हमारे संविधान में नहीं है। किस आधार पर अल्पसंख्यक नहीं माने जाते, कि इस धर्म के लोग, इस धर्म के मानने वाले लोग कम हैं तो ये अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक किस आधार पर कैलकुलेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लैंग्वेज या कोई लिपि या फिर कल्चर। तीन पॉइंट है, तीन वर्ड है, किसको रिगार्डिंग, माइनॉरिटी। माइनॉरिटी, माइनर कोई भी चीज़ कम है, क्या है यहाँ पे, किस चीज़ कौन कम है, लोग कम है। अगर 100 लोग हैं तो 99, 98, 97 ऐसे लोग हैं जो एक भाषा, एक संस्कृति हैं, सब एक जैसे हैं, लेकिन उनमें कुछ लोग हैं 8, 10, 12, 100 में जिनकी बोल भाषा अलग है या लिपि अलग है या जिनका संस्कृति अलग है। तो ये जो कम लोग हैं इनके लिए प्रावधान दो आर्टिकल में किए हैं कि ये क्या क्या कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, इसी को हमने बोला संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। किसकी संस्कृति, अल्पसंख्यकों की। किसकी शिक्षा, अब इनकी भाषा अलग है, 9 लोगों की भाषा अलग है, ठीक है, क्योंकि 100 में 1/10 तो इतना ही होगा, 9 या 10 ज़्यादा से ज़्यादा, और ये 91 तो ये 91 लोगों की भाषा एक है और इसमें से 9 लोग, अब ये सब एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसको तकलीफ ज़्यादा होगी, क्योंकि स्कूल का मीडियम वगैरह किसके हिसाब से होगा, और ये लोग सफ़र करेंगे। तो इनके लिए अलग से व्यवस्था करी कि भैया इनकी अलग से क्लास लगा दो, इनकी अलग से पढ़ाई करवा दो इनको, ताकि ये 9 अपने कल्चर के साथ बड़े हो सके और ये 91 अपने के साथ। यही प्रावधान किस अनुच्छेद में, आगे बात समझ में, अल्पसंख्यकों के हितों का। क्लियर हो गया, कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? SC ST इसके अंतर्गत नहीं आएंगे, अगर वो किसी स्पेसिफिक भाषा बोलते तो ज़रूर आएंगे। वो उनको रिजर्वेशन देने के अंतर्गत आता है, लेकिन अगर उनकी भाषा अलग है तो बिल्कुल वो इसके अंतर्गत आएगा अल्पसंख्यक।
किसके अंतर्गत आएगा? अल्पसंख्यक। और ये अल्पसंख्यक का कैलकुलेशन पूरे देश के स्तर पर है। किस स्तर पर है? पूरे, ये तो अपन ने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे लिया कि 100 लोग हैं जिनमें से 91 एक के कैटेगरी के हैं, मतलब एक भाषा एक संस्कृति, बाकी बचे हुए जो 9 लोग हैं वो क्या हैं, तो वो अल्पसंख्यक कहलाएंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? डाउट है यहाँ पे किसी को? लिख लो इसको। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 29, आर्टिकल 29 किसी विशिष्ट धर्म की, अभी आर्टिकल 29 लिखेंगे, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 29 है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ठीक है, लिखेंगे क्या है ये। भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के, भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों को, उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों को किसी नागरिकों के किसी अनुभाग को, अनुभाग मतलब एक पार्ट, निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, अनुभाग ब्रैकेट में पार्ट लिख लीजिएगा, किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, विशेष भाषा लिपि या संस्कृति है, अपनी भाषा लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। अपनी भाषा लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। ठीक है, मतलब ये नहीं कि वो 9 है और ये 91 है तो ये 9 बदल के इनमें कन्वर्ट हो जाए। ये अपना कम होते हुए भी अपने आप को उसी कल्चर उसी भाषा के साथ इंडिया में क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। उन पर दबाव नहीं बनाया जाएगा कि तुम भी ऐसे बन जाओ, है ना। ये इस बात की उन्हें क्या है, उन अल्पसंख्यकों को स्वतंत्रता है, लिखेंगे अधिकार है। अब इसके अंतर्गत भी 2 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, पॉइंट 1 हेडिंग डाल, पॉइंट 1 लिखो। भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के, भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा लिपि या संस्कृति, अपनी भाषा लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। बनाए रखने का अधिकार होगा। दूसरा पॉइंट, राज्य द्वारा, राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता, राज्य द्वारा पोषित या
राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। वेरी इम्पोर्टेंट है ना। मतलब अगर कोई बच्चा है, पूरे स्कूल में एक या दो ही बच्चे हैं जिनकी भाषा या संस्कृति अलग है और वो उस सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसको इस आधार पर नहीं भगाया जाएगा कि तुमको कौन पढ़ाएगा इस भाषा में। ठीक है, ये तो हिंदी मीडियम स्कूल है और तुम इसमें नहीं पढ़ सकते, इंग्लिश मीडियम के हो, है ना। ऐसा हुआ है कि कई सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हिंदी मीडियम में आ जाते हैं, कई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट किस में चले जाते हैं, इंग्लिश मीडियम में चले जाते हैं। ऐसा किसी अदर मीडियम के बच्चे भी आ सकते हैं, तो आपको इस आधार पर कभी रोका स्पेसिफिकली उस स्कूल में जो सरकारी पैसे से चल रहा है। प्राइवेट स्कूल में तो रोक सकता है, ठीक है, कि अगर आप कोई प्राइवेट स्कूल है और आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए और आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हो, तो वो सोचेगा कि ये हिंदी मीडियम का बच्चा आएगा, इसमें हमको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, हमारे स्कूल का रिजल्ट भी ख़राब कर देगा, फेल हो गया तो बोलेंगे नहीं भैया हम तुमको एडमिशन नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद आप ऑनर है अपने स्कूल का, तो वो डिसाइड कर सकता है कि वो आपको एडमिशन दे रहा है कि। लेकिन सरकारी स्कूल में आप किसी भी मीडियम से आओ, आपको क्या मिलेगा? एडमिशन मिलेगा। क्लियर है? फेल पास हो वो तो आपकी मर्जी, ठीक है, बस वो एडमिशन तो दे ही देंगे एटलीस्ट। प्राइवेट स्कूल को क्या रहता है, रिपोर्टेशन का भी उनको ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि एडमिशन दे दिया एक बार प्राइवेट ने, पेरेंट्स तो डेली चढ़ाई करेंगे, बच्चा तो कुछ पढ़ ही नहीं रहा है, इसका तो और बुरा पतन होता जा रहा है धीरे धीरे, क्या पढ़ा रहे हो आप। अब स्कूल एक बच्चे के मीडियम अलग है, उसके लिए दूसरे टीचर तो हायर नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि जितनी फीस बच्चे की उससे तो सैलरी टीचर की चल जाएगी। तो ये सारे टेंशन से बचने के लिए वो एडमिशन, अगर आप वैरायटी मीडियम से पढ़े हो, ठीक है, पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो गया है कहाँ पे, एमपी में, अब एमपी के किसी स्कूल में आपको ढूंढना पड़ेगा मराठी मीडियम स्कूल कौन सा है, नहीं मिला तो फिर आपको हिंदी या इंग्लिश में जाना पड़ेगा। अब हिंदी इंग्लिश में जाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, स्कूल को आप पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्कूल ऐसा टेंशन पालेगा क्या? प्राइवेट स्कूल तो नहीं पालेगा, बोलेगा दूसरा देख लो, हमारे यहाँ तो सीट खाली नहीं, भले होगी तब भी नहीं देगा। सरकारी स्कूल आपको प्रणाम करके बुलाएगा कि अरे आप आइए, आप ही का तो इंतजार था, तुरंत लीजिए एडमिशन, मध्यान्ह भोजन भी खा के चाहिए, ठीक है, और आपको धूमधाम से एडमिशन देगा। क्यों? क्योंकि ये आपका मौलिक अधिकार है, अल्पसंख्यक हो, किसी भी भाषा के हो, किसी भी जाति के हो, मूल वंश के हो, एक शब्द लिखा है नागरिक होना चाहिए, देखो जरा लिखा है ना। अब क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है या एडमिशन वगैरह, ये सिर्फ नागरिकों को दिया है कि विदेशियों को भी दिया? सिर्फ किसको है? अब कोई फ्रेंच बोलने, जर्मन बोलने वाला आ जाए, बोले कि मेरे को एडमिशन चाहिए और जर्मनी पढ़ाओ, अब तो जर्मनी का व्यक्ति आ जाए, भारत सरकार और सरकारी स्कूल का दिमाग ही खराब हो जाएगा, यहाँ इतनी भाषाओं को झेल झेल के परेशान, ऊपर से एक नई भाषा और आ गई, तो ये सिर्फ किसके हैं? सिर्फ नागरिकों के लिए, है ना, इसके लिए उस वर्ड को अंडरलाइन कर लेना। क्लियर है?
आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ओनली फॉर द सिटीजन्स, किसके लिए है? सिटीजन्स के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 29 समझ में आ गया? कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? तो अल्पसंख्यक कौन है, किस आधार पर अल्पसंख्यक है हमारे देश में? धार्मिक तो हमने नाम भी नहीं लिया, धार्मिक अल्पसंख्यक का तो जिक्र भी नहीं किया, सिर्फ भाषा संस्कृति या लिपि के आधार पर। अगर कोई व्यक्ति क्या है, कम है, तो भी उसको वही अधिकार हैं जितने बाकी लोगों को। ठीक है, आर्टिकल नंबर 30, अनुच्छेद 30 लिखेंगे, शिक्षण संस्थानों की स्थापना, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है, अब ये जो अल्पसंख्यक हैं, ये किसी स्कूल में जा रहे हैं, मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा है, ये इनकी संख्या कम है। स्कूल इनिशियल लेवल पर इन पर कितना भी ध्यान दे, लेकिन इनको वैसे अधिकार नहीं दे सकता जैसे ये अपनी वाली भाषा संस्कृति में लेके सीख सकते थे। तो अगर कोई अल्पसंख्यक वर्ग चाहता है कि वो अपना स्कूल बना ले जो उसी भाषा को उसी संस्कृति के लोगों को पढ़ाने के लिए हो, जैसे पारसी, गिने चुने लोग हैं, 70,000 के लगभग जनसंख्या पूरे देश में अभी उनकी, ठीक है, स्पेसिफिकली महाराष्ट्र और गुजरात में, ठीक है। तो वो सोच लें कि पारसी कम्युनिटी का स्कूल अलग से होगा, तो वो बना सकते हैं, उसमें सारे पारसी बच्चे आके पढ़ लेंगे, तो उनको तकलीफ भी नहीं होगी ये वाली, ठीक है। तो अल्पसंख्यक वर्गों को ये अधिकार है कि वो अपना क्या खोल सकते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलें जिसमें उन्हीं के जैसे लोग क्या करें, माइनॉरिटी पढ़े, ठीक है, और उसको सरकार फंड भी दे देगी। मतलब इस तरह का भेदभाव नहीं करेगी कि अरे ये तो अल्पसंख्यकों के लिए, हम इनको क्यों फंड दें, ठीक है। जैसे कई स्कूल्स को गवर्नमेंट फंड देती है ना, तो उसी रिस्पेक्ट के साथ माइनॉरिटी अगर कोई स्कूल खुलता है तो उसको भी सरकार क्या करेगी, फंड वगैरह देगी, ठीक है। तो ये भी इनका क्या है, मौलिक अधिकार है कि वो चाहे तो अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? धार्मिक संस्थान खोलने के लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर? धार्मिक संस्थान खोलने का आर्टिकल, ये नहीं पूछ रही हूँ मैं, अभी पढ़ाना जा। अच्छा, 28 है धार्मिक संस्थान खोलने का अधिकार। हाँ, 26 में क्या पढ़ा? हैं, धार्मिक तो इसी के अंतर्गत तो संस्थान खोल रहे थे ना आप। क्या लिखा है? 28 में। तो क्या है आगे, क्या लिखा, पूरा पढ़ो तो सही। तो ये शिक्षण संस्थान खोल रहे हैं कि पढ़ाने की बात कर रहे हैं? तो फिर ठीक है, जो लिखा है उसकी पहली लाइन, पहले दो शब्द पढ़ोगे तो क्या समझ में आएगा? पूरा सेंटेंस पढ़ो, पूरा आर्टिकल पढ़ लिया, 24, 25, 26, 27, 28, मतलब 25 से 28 तक पढ़ा है ना, तो अब तो समझ में आना चाहिए, ठीक है। और 29 भी पढ़ लिया अपन ने, 30 भी लिख लिया, 30 क्या है अपना, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का। तो 30 में अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण संस्थान की बात करिए, जबकि 26 में धार्मिक, कोई भी धर्म के लोग हो सकते हैं, क्योंकि हमने बोला अल्पसंख्यक धार्मिक नहीं होते हैं, इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान अलग है इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए, और अल्पसंख्यक चूंकि एक अलग ही समुदाय है भाषा संस्कृति या लिपि के आधार पर, इसलिए उनको अपने शिक्षण संस्थान खोलने की स्वतंत्रता का अनुच्छेद अलग है, अनुच्छेद नंबर
30। आई बात समझ में? ये दोनों को एक मिला के मत आ जाना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इंडिया में धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं है। कैसे अल्पसंख्यक है? संस्कृति या भाषा या लिपि के आधार पर है। अल्पसंख्यक कौन होते हैं? सामान्य जनसंख्या में जिनका परसेंट 10 से कम है। सामान्य जनसंख्या में जिस एक भाषा या संस्कृति या लिपि के लोग 10% से कम है, 1/10, वो क्या कहलाएंगे? अल्पसंख्यक की परिभाषा संविधान में नहीं दी गई है, बस इतना बताया है, 3 वर्ण है, भाषा, लिपि या संस्कृति। क्लियर है? ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, कभी भी मिक्स नहीं करना है इन दोनों को।